ये जो आप लोग धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं किन मुद्दों को लेके हैं वो आप जानते हैं? हमारा सिंगल पॉइंट डिमांड है कि हमें अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 एक ग्रेटर त्रिपुरा का स्टेट चाहिए या त्रिपुरा का स्टेट चाहिए, और ये हमारा डिमांड है क्योंकि हिंदुस्तान में शायद एक ही राज्य होगा जहाँ में ओरिजिनल जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है, वो आज 30% हो गई है। ये 70 साल में जो बांग्लादेश से बहुत लोग आए हैं उनको हमने जगह दे दे के, पनाह दे दे कर ओरिजिनल पॉपुलेशन को ही हमने 30% कर दिया। इसी के लिए अगर आज हमें अपनी सभ्यता, भाषा और आइडेंटिटी और कल्चर को बचाना होगा तो हमें 6th शेड्यूल के अंदर जो ग्रेटर त्रिपुरा का राज्य है वो हमको देना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये हमारी मांग है कि आप ये हमें दीजिए। तो मूल रूप से जो अभी जैसे आप बता रहे हैं कि बाहर से लोग आते हैं बांग्लादेश से, बाहर से मतलब कि हिंदुस्तान से नहीं आ रहे, बांग्लादेश से, तो उसमें क्या क्या हनन हो रहा है जो आपके लोग वहाँ पे हैं कर रहे हैं, उनको क्या हनन हो रहा है? ये बात आप महसूस कर सकते हैं, आपको शब्द में मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि ये कहीं में इंडिया में नहीं हो रहा है, सिर्फ त्रिपुरा में ही हो रहा है। अगर आप बाहर के देश से लोगों को निमंत्रण करेंगे और वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे, वही आपके प्रोफेसर बन जाएंगे, वही आपके जज बन जाएंगे, वही आपके मंत्री एमएलए बन जाएंगे, तो आपको कैसे लगेगा? तो प्रशासन जब आपके हाथ से पूरा चल जाता है और आपका, आप अगर त्रिपुरा में घूमेंगे और आपको लगेगा नहीं कि ये एक त्रिपुरा एक राज्य था, ये नया एक लगेगा कि ये एक एक्सटेंशन ऑफ बांग्लादेश है, तो आपको कैसे लगेगा? ये मैं मज़हब के रूप में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कम्युनिटी सेंट्रिक बात कर रहा हूँ, मज़हब के नाम में एकदम नहीं। तो ये बात मैं आपको शब्द में नहीं बता सकता हूँ, आप लोग आइए कभी और आप त्रिपुरा को देखिए, आपको नहीं लगेगा बहुत बहुत पार्ट्स में कि ये एक इंडिजिनस राज्य था जो 5000 साल से कायम था और 70 साल में हम बर्बाद हो चुके। एक अंत में महाराज जी ये जानना चाहेंगे, जो ये आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसमें क्या आपने केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया है या किस तरह ये केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया है? यहाँ में हम काउंसिल में पावर में भी हैं त्रिपुरा में, हमारे संग 8 MLAs भी हैं और IPFT और त्रिपुरा मोर्चा, 2 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हम एक हो चुके हैं इस डिमांड में, और केंद्र सरकार भी जानता है कि हमारा क्या डिमांड है। अब मैं केंद्र सरकार को यही बोलना चाहता हूँ कि आप तो आपने कानून पास किया है जहाँ में बाहर के शरणार्थी को भी हम बना दे रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट करने के बाद, उसके बाद आज आप, हम तो हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारे बारे भी सोचिए, हमें भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन दीजिए, क्योंकि जैसा चल रहा है और अब ऐसा नहीं चलेगा। धन्यवाद महाराज, थैंक यू। तो